दोस्तों सड़क पर चलते वक्त गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर आप लोग अंदाजा लगा लेते हो कि गाड़ी कहाँ की है या किस स्टेट की है, लेकिन सड़कों पर एक खास सीरीज का नंबर प्लेट की गाड़ी दिखेगी जिसकी शुरुआत बीएस से होगी। इस सीरीज के नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी उसे किसी भी दूसरे स्टेट में जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। दोस्तों बीएस सीरीज का मतलब है भारत सीरीज। इस नंबर प्लेट को पिछले साल देश में केंद्र सरकार ने पेश किया था। इस सीरीज का रजिस्ट्रेशन पिछले साल सितंबर में ही हो चुका था। बीएस सीरीज नंबर प्लेट लाने के पीछे मकसद यह एश्योर करना है कि इस तरह की नंबर प्लेट वाले वाहनों को उनके मालिक को दूसरे स्टेट में जाने पर नई रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह उन लोगों के लिए बेहद मददगार होगा जिनके पास ऐसी नौकरी है उनके लिए उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बार बार शिफ्ट होना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अच्छे से समझते हैं भारत सीरीज को। दोस्तों बीएस सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी यदि उसका ट्रांसफर किसी दूसरे स्टेट में हो जाता है तो वहां उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसी भी स्टेट में जाए उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत एकदम नहीं पड़ेगी। दोस्तों वैसे दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन का नियम क्या है? देखिए दोस्तों आप यह सोच रहे हैं कि पहले भी तो दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट की गाड़ी का नंबर दिखता था, तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी के समय में आप एक फिक्स पीरियड के लिए दूसरे स्टेट में बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी रख सकते हैं। वर्तमान में एक व्यक्ति को उस स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में मैक्सिमम 12 महीने तक वाहन रखने की अनुमति है जहाँ वह रजिस्टर है। मालिक को ऐसे वाहनों का 12 महीने तक की समाप्ति से पहले फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। बीएस सीरीज के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों नई सीरीज किसके लिए है और कौन कर सकता है इसके लिए अप्लाई? देखिए दोस्तों इस नई बीएस सीरीज की शुरू होने के बाद सबसे अधिकतम राहत उन लोगों को मिलेगी जिनका ट्रांसफर होता रहता है और उन्हें अपने साथ गाड़ी ले जानी होती है। वहाँ दोबारा उन लोगों को रजिस्ट्रेशन की दिक्कत रहती है। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रक्षा कर्मियों के केंद्र और स्टेट के सरकारों कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कंपनियों और संगठनों के प्रोसेसिंग वाले निजी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इस नई सीरीज को शुरुआत की है। इस नई सीरीज के तहत जिनके ऑफिस 4 या उससे अधिक स्टेट में हैं उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों की जगहों पर काम करने वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि नंबर प्लेट किस रंग में होगी या कैसी होगी नंबर की शुरुआत। नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा। इसके साथ ही बीएच से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद रजिस्टर के वर्ष का अंतिम 2 अंक और फिर आगे का नंबर होगा। इस खास सीरीज के नंबर के लिए कितना टैक्स और कितने साल के लिए होगा? दोस्तों इसमें वाहन मालिकों के पास ऑप्शन होगा, उन्हें 2 साल या 2 के मल्टीपल में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा। आरटीओ के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी। बीएस सीरीज के लिए मंत्रालय ने 10 लाख रुपए तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8% और 10 से 20 लाख रुपए की लागत वाले वाहनों के लिए 10% और 20 लाख रुपए से अधिक लागत वाले वाहनों के लिए 12% रोड टैक्स तय किया है। डीजल वाहनों के लिए 2% एक्स्ट्रा पे करना होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2% कम लगाया जाएगा। वैसे वर्तमान में निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए मालिकों को 15 साल का रोड टैक्स एडवांस पेमेंट करना होता है। यदि वे अपनी गाड़ी किसी दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होता है। उदाहरण के लिए कोई गाड़ी 2 साल पुरानी है और किसी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो दोबारा 12-13 वर्षों के टैक्स पे करना होता है। साथ ही उन्हें उस स्टेट से पहले से पे की गई राशि का दावा करने की आवश्यकता जहां मूल वाहन रूप से रजिस्टर था। आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग स्टेट में अलग टैक्स का झंझट क्या समाप्त हो जाएगा? देखिए वर्तमान समय में अलग अलग स्टेट में रोड टैक्स अलग है, इसलिए सिस्टम में दोबारा से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आरटीओ ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। दोस्तों सीधे और आसान शब्दों में कहे तो बीएस सीरीज की गाड़ी बेफिक्र होकर दोस्तों अब किसी भी स्टेट में ले जाइए और रजिस्ट्रेशन का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों भारत सीरीज या बीएस सीरीज के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।